पिंक और वेजिटेरियन हार्ट की सेहत के लिए अच्छा होता है। मीठे पदार्थ बहुत होने चाहिए। क्रिजिस माइंड कॉन्सेंट्रेशन सिस्टमेटिक एक्सरसाइज करना चाहिए। नमस्ते मौसम लूमीज, तो आज मैं एवरीडे के मिथ्स और ट्रुथ्स का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शाकाहार होना सेहत के लिए अच्छा होता है। बींग और वेजिटेरियन हार्ट की सेहत के लिए अच्छा होता है, ये बात सही है। पर वेज में क्या कंज्यूम करते हो और कैसे खाते हो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसमें अमाउंट ऑफ शुगर कितनी है ये भी जानना जरूरी है। अदरवाइज शाकाहार भी मांसाहार जितना ही अनहेल्दी हो सकता है। पीनट्स और कैशू का तेल फैट्स इंक्रीज करता है। पीनट्स और केशू के तेल में थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में कैलोरीज होते हैं, पर बॉडी को विटामिन्स और फाइबर्स भी इन्हीं तेलों में से मिलते हैं, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए वो थोड़े भी खाए तो बॉडी को नेसेसरी ही होते हैं। अगर हाफ बोल पीनट्स रात भर भिगोए और सुबह खाए तो बेस्ट होगा। पूरे दिन भर काम के लिए शक्ति और उत्साह चाहिए तो खाने में घी, तेल और मीठे पदार्थ बहुत होने चाहिए। इन सबसे फैट्स बढ़ते हैं। घी और तेल शरीर को थोड़े अमाउंट में जरूरी होते हैं, क्योंकि वो जॉइंट्स के लुब्रिकेंट्स जैसे काम करते हैं और अगर उनका अमाउंट बढ़ जाए तो शरीर को वो हानि पहुंचा सकते हैं। फ्रूट्स से जो शरीर को शुगर मिलती है वो शरीर को वर्क करने में सफिशिएंट होती है। सब्जियों से फाइबर्स और सॉल्ट मिल सकती है। व्हीट ब्रेड या फिर गेहूं की रोटी गिव्स इनफ एनर्जी, जिसके लिए ऑयली और शुगरी फूड्स बहुत ही कम खाने चाहिए। योगासनों से थकान महसूस होती है। योगासन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इंक्रीजेस माइंड कॉन्सेंट्रेशन। इससे बॉडी स्ट्रेस और माइंड स्ट्रेस दूर होता है, जिससे आराम मिलता है। हार्ट प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है उन्होंने एक्सरसाइज करना जरूरी है, पर उन्होंने ज्यादा एफर्ट होने वाले एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर एंड रीजनेबल एक्सरसाइज करना चाहिए। सारा घर का काम करने वाली हाउसवाइफ यानी गृहिणी को अलग से एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। घर के कामों में एफर्ट्स लगते हैं, पर मसल्स को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक्सरसाइज तो जरूरी है। एक्सीलेंट हेल्थ के लिए सिस्टमेटिक एक्सरसाइज करना चाहिए। घर कामों से थोड़ा टाइम निकालकर डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। पढ़ने से आंखें बिगड़ती हैं, चश्मा लगता है। अंधेरे में गाड़ी में स्विंग पे यानी इम्प्रॉपर तरीके से बैठकर रीड किया तो आंखों पर तनाव आता ही है, पर प्रॉपर लाइट और ठीक तरीके से बैठकर रीड किया तो आंखों पर तनाव नहीं आता, आंखें खराब नहीं होते। और हर रोज आंखों को एक्सरसाइज देना जरूरी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना और बेल बटन को भी जरूर प्रेस करना, क्योंकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करो इसलिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट भी जरूर करना। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, शुक्रिया।